लखीमपुर खीरी जिले के गोला विधानसभा में उपचुनाव की मतगणना संपन्न हो चुकी है, जिसमें अब रिजल्ट भी आ चुका है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी की 34,298 मतों से जीत हुई है। दरअसल 139 गोला विधानसभा सीट की मतगणना लखीमपुर शहर के राजापुर मंडी में संपन्न हो चुकी है, जहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू की गई थी, जिसके बाद जहां विधानसभा सीट से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी की 34,298 मतों से जीत हुई है। अमन गिरी को 1,24,810 मत प्राप्त हुए हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी को 90,512 मत प्राप्त हुए। वहीं भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी ने समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को 34,298 वोटों से हराया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ अमन गिरी के आवास पर भी बाजे गाजे के साथ जश्न मनाया जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी ने जीत के बाद कहा है कि सबसे पहले वह बाबा भोलेनाथ के दरबार में जाकर माथा टेकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर अमन गिरी विजयी हुए हैं। गोला विधानसभा सीट से भारी मतों से अमन गिरी विजयी हुए हैं। भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो उसी को चलते हुए पूरे क्षेत्र के सभी निवासियों का विश्वास हम लोगों पर बना है। भारतीय जनता पार्टी पर सदैव रहा है और अभी भी रहा है। इसी वजह से हम लोग की प्रचार। अमन जी, इस जीत का आपको कितना देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे संगठन को